आइए बच्चों, हम क्लास 10 का लेसन 4 पढ़ते हैं। लेसन 1, 2, 3 पहले ही पढ़ाया जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। पूरी एक्टिविटीज़ भी की हुई है और चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, वहाँ से आप समझ भी सकते हो। पर सबसे पहले और प्यारी बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन वाली घंटी भी दबाइए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। माय ओन ट्रू फैमिली, मेरा अपना एक सच्चा परिवार। टेड हग्स इसके राइटर हैं। तो बच्चों देखिए, ऑथर एंड द टेक्स्ट, उसकी कुछ जीवनी दी हुई है यहाँ पे। जैसे कि वीडियो हम लोग का होता है, तो थोड़े मतलब हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पे। जैसे एडवर्ड जेम्स टेड हग्स 1930 to 1998 वॉज अ नोटेड इंग्लिश पोएट एंड हैड बीन द पोएट लिटरेचर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1984 टिल हिज डेथ। अब देखा गया कि यहाँ पे 1930 से ले कर 1998 तक इंग्लिश के एक बहुत बड़े टेड हग जो थे वो पोएट थे, मतलब कवि थे, और फिर लिटरेचर साहित्य भी लिखा उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में 1984 तक, और फिर उसके बाद उनका डेथ हो गया। तो उनके द्वारा लिखित आज पोएम हम लोग द माई ओन ट्रू फैमिली पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग। Once I crept in an oak woodland, I was looking for a stag. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, कवि कह रहे हैं कि एक बार मैं अपने ओक के पेड़ के जंगल में धीरे धीरे गया था। I met an old woman there, all nobody stick and rag. तो मुझे एक हिरन की जो है वो खोज थी, और यहाँ मुझे एक बूढ़ी औरत मिली जो चिथड़े में मैंने अस्त व्यस्त चिपकी हुई थी। शी सेड आई हैव योर सीक्रेट हियर इनसाइड माई लिटिल बैग। उसने कहा कि तुम्हारे सभी रहस्य, तुम्हारे जो सभी सीक्रेट्स हैं वो देखो मेरे इस छोटे से बैग में है। किसने कहा? उस बूढ़ी औरत ने किसको कहा? कवि को कहा। आइए सेकंड स्ट्रेंजर हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड स्ट्रेंजर हमारा क्या है? देन शी बिगेन टू कैकल एंड आई बिगेन टू क्वैक। अब लेखक यहाँ पे कवि यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर वो अपने आप में कुछ बड़बड़ाने लगी और मैं जो है कांपने लगा, डरने लगा। शी ओपन अप हर लिटिल बैग एंड आई केम ट्वाइस अवेक। अब उसने क्या किया, अपना छोटा सा बैग खोला और मुझ में वो पुनः मतलब फिर से होश आ गया। वो तो उसको देख के घबरा चुके थे, लेकिन जैसे उसने बैग खोला उसमें वो कभी जो है फिर से वो अपने आप में आ जाते हैं, पूरी माने होशो हवास में। सराउंडेड बाई अ स्टार्टिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू स्टैक। अब यहाँ पे देखो बता रही है कि पूरी जो है देखा गया कि जंगल में पूरी जो भी लोग थे, ट्राइब्स जनजातियाँ, उनसे मैं जो है एकदम घिरा हुआ था, और सब लोग एक जो है मेरे तरफ एकदम देख रहे थे, एक टक मुझे देखते जा रहे थे, और मैं एक खूंटे से बंधा हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बच्चों। दे सेड वी आर द ओक ट्रीज एंड योर ओन ट्रू फैमिली। अब उन लोग क्या कहते हैं कि देखो मैं हम लोग जो हैं, उन्होंने क्या कहा वो उन लोगों ने कि देखो मैं हम लोग क्या है, ओक के ब्रिज है। ओक पढ़े हो तो तुम लोग, ओक के ब्रिज ज्योग्राफी में, वही ओक के ब्रिज हैं, और आपका सच्चा परिवार है, हम आपकी जो है ट्रू फैमिली है, सच्चा परिवार। वी आर चॉप्ड डाउन, वी आर टोर्न अप, वी डू नॉट ब्लिंक एन आई। वो क्या कहते हैं सारे ओक के पौधे कि हम लोग अब काटे जा रहे हैं, हमें नष्ट किया जा रहा है, हमें और हमें
तुम हो कि देखते भी नहीं, तुम्हें देखना चाहिए, हम लोग को इतना बर्बादी बर्बाद किया जा रहा है, हमें बर्बादी से तुम्हें बचाना चाहिए। अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ, नाउ यू आर गोइंग टू डाई। अब वो बोल रहे हैं पौधे कवि को, जब तक तुम जैसे कि हम लोग को क्या करो, वादा ना करो और कि हम लोग जैसे कि यहीं पे हम लोग खड़े रहें, माने वृक्ष हम लोग को काटा पीटा ना जाए, नहीं तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये तुम लोग को तुम्हें हमसे वादा करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन एवर यू सी एन ओक ट्री फेल्ड स्वीयर नाउ यू विल प्लांट टू। यहाँ पे जो है ओक के पौधे कवि को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब ओक के एक पेड़ को गिरते देखो और तुम ये हम लोगों को वादा करो कि दो वृक्ष लगाओगे, तुम एक वृक्ष अगर काटे जाए, एक वृक्ष अगर गिर जाए, एक उसको नष्ट कर दिया जाए, तो उसके बदले में तुम दो वृक्ष लगाओगे। अनलेस यू स्वीर एंड द ब्लैक ओक बार्क विल रिंकल ओवर यू, नहीं तो क्या होगा, जब तक तुम खाते नहीं, प्रॉमिस नहीं करते, हम लोग को वादा नहीं करते, कसम नहीं खाते, काले ओक के जो है पौधे वो सिकुड़ेंगे तुम पर, सब तुमको पकड़ के सिकुड़ जाएंगे। एंड रूट यू अमोंग द ओक वेयर यू वियर बोर्न बट नेवर ग्रू, तब क्या होगा, और ओक के पौधे के बीच जड़ हो जाओगे तुम, जहाँ तुम लोग पैदा हुए हो, लेकिन बढ़ोगे नहीं, अगर ऐसा कुछ तुमने वादा नहीं किया तो, जैसा मैं ओक बोल रहे हैं ले कवि से, अगर ऐसा तुम कुछ नहीं करते हो तो। अच्छा बच्चों आज चलिए हम लोग अपना लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या है हमारा लास्ट पैराग्राफ, दिस वॉज माई ड्रीम बीनीथ द बोग्स द ड्रीम एंड द अल्टर्ड मी। तो लास्ट पैराग्राफ में कवि क्या कहते हैं कि जब टहनियों को मेरे यहाँ स्वप्न था, बदल दिया जो स्वप्न मुझे, क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि यहाँ के जो छोटे छोटे टहनी थे, पौधे थे, उनको एक एक सपना था उनके दिल में, अरमान था, जो कि बदल दिया गया है। When I came out of the oak wood back to human company, तब बोल रहे हैं कवि कि मैं जब ओक पौधे के जंगल में से बाहर आया, तो वहाँ से वापस लोगों के साथ आया, My walk was the walk of the human child, but my heart was a tree. मैं आया तो सही जंगल से चल के उन पौधों के बीच से, मेरी चाल थी कैसी, मनुष्य की तरह, मेरी चाल कैसी थी, मनुष्य की तरह थी, और मेरा दिल कैसा था, वो पौधों की तरह था। बच्चों देखो कुछ वर्ड लिस्ट में वर्डिंग्स दिए गए हैं, जिसका यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, और ये वीडियो में एक एक लाइन को आप बोलोगे कि समझाना पड़े तो ऐसा नहीं हो सकता, तो प्लीज़ आप लोग ये वर्डिंग्स देखना, मैंने तो एक एक लाइन समझा दिया है, हालांकि एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझाया जा सकता, इसलिए बच्चों आप ये मीनिंग देखना, और जिन्हें ये इंग्लिश मीनिंग समझ में ना आए वो घर में डिक्शनरी है उसका हिंदी मीनिंग ढूंढ लेना। तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर जो है ख़त्म होता है, अगले वीडियो में हम लोग फिर इसका एक्टिविटी करेंगे, प्लीज़ वीडियो को पूरे एंड तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाना, फ्रेंड्स में भी शेयर करना।